गलियारों में हमें कई सेलिब्रिटीज़ के लव अफेयर्स के किस्से सुनने में आए दिन आते हैं। हालांकि इनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें अपना प्यार हासिल होता है। इंडस्ट्री में कई ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनकी लव स्टोरी अब तक अधूरी है। इनमें से एक है शाहिद कपूर और करीना कपूर। नमस्कार, मैं हूँ ऐश्वर्या और आज ब्रेकअप स्टोरी में बात कर रही हूँ शाहिद कपूर और करीना कपूर। शाहिद कपूर और करीना कपूर का प्यार 30 साल तक साथ चला। खास बात यह है कि करीना कपूर ने शाहिद को प्रपोज किया था। उनके द्वारा बहुत सारे मैसेजेस और फोन कॉल करने के बाद शाहिद कपूर ने करीना के प्यार को एक्सेप्ट किया था। शाहिद और करीना की पहली मुलाकात फिदा के सेट पे हुई थी। यही दोनों एक दूसरे पे फिदा हो गए थे। शाहिद को देखते ही करीना उनसे इंप्रेस हो गई थी और उनको प्रपोज कर दिया था। इस बात का खुलासा करीना ने खुद कई इंटरव्यूज में किया था। शाहिद ने करीना कपूर के प्रपोजल को स्वीकार किया था, ये बात भी करीना ने खुद बताई है। करीना ने बताया था कि कई बार फोन कॉल और मैसेज करने के बाद ही शाहिद ने उनके प्रपोजल को स्वीकार किया था। वैसे तो दोनों की जोड़ी स्क्रीन पर कमाल नहीं कर पाई। दोनों ने कई फिल्में की लेकिन फ्लॉप रही, लेकिन दोनों का प्यार आपस में पनपता रहा। रियल लाइफ के दोनों के प्यार के किस्से हमेशा सुर्खियों में रहे। शाहिद कपूर की लव स्टोरी की शुरुआत सन 2004 में हुई, जो मीडिया की सुर्खियों में लंबे समय तक बनी रही। उस समय दोनों को कई बार साथ देखा जाता था। जहां शाहिद नहीं होते वहां करीना खुल्लम खुल्ला उनको मिस करती और उनको ओपनली याद करके उनका नाम दिया करती थी। दोनों ओपनली रिलेशनशिप में थे। कॉफी विद करण में पहली बार करीना ने कहा था कि वो शाहिद कपूर से प्यार करती हैं। शाहिद ही वो हैं जो उनके चेहरे पे मुस्कान लाते हैं। और शाहिद ने भी कॉफी विद करण में ही स्वीकार किया था कि वो करीना कपूर से प्यार करते हैं। दोनों ने पब्लिकली एक दूसरे से प्यार को स्वीकार किया था। 3 साल तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चला। हमेशा साथ दिखने वाला जोड़ा अब अलग होने वाला था। दोनों के रिश्ते में दरार आई फिल्म जब भी मेट में काम करने के दौरान। जब दोनों ने इस फिल्म की शूटिंग की तब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग करते करते दोनों के बीच का रिश्ता खत्म हो गया और दोनों के बीच दरार आ गई। उस समय कहा जाता था जब फिल्म का अंतिम सीन शूट किया जा रहा था तब दोनों अलग अलग गाड़ियों में सेट पे आते थे। उस समय दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं किया करते थे। हालांकि इस बात से अभी तक पर्दा नहीं उठ पाया था कि दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हुए थे। शाहिद कपूर करीना कपूर ने साथ में चाइना टाउन, चुप चुप के, जब भी मेट जैसी फिल्मों में काम किया था और अब ये रिश्ता अलग हो रहा था। जब भी मेट खत्म होते होते दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अलग होने के बाद 2010 में मिलेंगे मिलेंगे फिल्म में दोनों एक बार फिर से साथ में आए और फिल्म पर्दे पे फ्लॉप हुई। मीडिया की खबरों की माने तो शाहिद कपूर के ब्रेकअप की वजह अमृता राव को माना जाता है। कहा जाता है कि फिल्म विवाह की शूटिंग के दरमियान शाहिद कपूर अमृता राव के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी, जिस बात की भनक करीना कपूर को लग गई थी। हालांकि ये बात कभी सिद्ध नहीं हुई, लेकिन करीना शाहिद की ये नज़दीकियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने बिना कुछ बोले शाहिद कपूर से अलग होने का फैसला लिया। शाहिद कपूर से अलग होने के बाद करीना कपूर अक्सर सैफ अली खान के साथ नजर आने लगी और कुछ दिनों बाद सैफ से शादी कर ली। वहीं शाहिद ने अरेंज मैरिज को चुना और मीरा राजपूत के साथ शादी कर ली। दोनों अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। फैंस भी दोनों को अलग अलग स्वीकार कर चुके थे, लेकिन 2016 में उड़ता पंजाब में अलग होने के बाद दोनों पहली बार साथ नजर आए। दोनों ने साथ में एक बार फिर से फिल्म शाइन की। यहाँ एक खास बात थी, दोनों का फिल्म में एक भी सीन साथ में नहीं था, यानी कि फैंस को यहाँ भी निराशा हाथ लगी। आज भले ही ये दोनों अलग अलग हो गए हों, लेकिन इनके प्यार के किस्से फैंस की जुबान पे आज भी हैं। इन दोनों का प्यार ही कुछ ऐसा था, ओपनली रिलेशनशिप में रहे और बिना कुछ बोले दोनों अलग हो गए। आज के ब्रेकअप स्टोरी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ मैं फिर से आप लोगों से रूबरू हूँ। तब तक देखते रहिए लोकमत न्यूज़.in।